नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बता दूं आपको कि शबनम की फांसी की हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है, यानी कि अब बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे लगता है कि शायद किसी को नहीं पता हो। ये आपको इस वीडियो के दो मिनट के वीडियो में जानने को मिलेगा। बता दूं आपको कि पवन जल्लाद को जल्द से जल्द बरेली बुलाया गया है, और यहाँ पर क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पवन जल्लाद को इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया, क्या कारण है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही ये भी अनुमान लगाएंगे हम लोग कि शबनम की फांसी क्या जनवरी के महीने में ही होगी, क्या इसी महीने में होगी, क्योंकि 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट है यूपी में। 10 फरवरी से 7 मार्च तक इलेक्शन चलेगा। क्या इससे पहले जो है वो फांसी होगी, क्या वाकई पवन जल्लाद को फांसी देने के लिए बुलाया गया, या कुछ और काम है। दोस्तों उससे पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर सकते हैं। दोस्तों पवन जल्लाद को बरेली बुलाया गया है, कारण क्या हो सकता है? कारण दो कारण हो सकते हैं। एक तो फांसी की मुआवजा लेने के लिए कि फांसी में आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, ये डिस्कशन करने के लिए। दूसरी बात वहाँ का जो माहौल है, जहाँ पे शबनम को फांसी दी जाएगी, वहाँ पे दिखाने के लिए कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से फांसी अटकल पड़ा हुआ है। 2008 से लगभग फांसी पड़ा हुआ है कि अभी तक फांसी नहीं किया गया है। लगभग 13 साल तो ऐसे ही बीत गए। मैं बता दूँ आपको, फांसी देने से पहले जल्लाद हर जगह का निरीक्षण करता है, पूरी जेल को हो, जहाँ पे फांसी दिया जाता है वहाँ पे वहाँ का तख्ता कैसा होता है, वहाँ पे रस्सी कैसी लगी जाए, कहाँ पे लटकाया जाएगा, वो ठीक है कि नहीं, वो जो लकड़ी का बना हुआ रहता है वो सही है कि नहीं, या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सब सारे बहुत कुछ देखना पड़ता है जल्लाद को। तो जल्लाद हो सकता है कि इसके लिए बुलाया गया हो, या हो सकता है कि कोई सरकारी काम हो इसलिए बुलाया गया हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ये नहीं साफ हो पाया है कि पवन जल्लाद को इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है, खास करके इस समय। तो देखते हैं माफ़ करिएगा, क्या कुछ अपडेट आता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही आपको हमारा चैनल सबसे पहले बताएगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।